उड़ीसा का शासनतंत्र से बचना क्यों चाहता है, जबकि हमारा स्वभाव है अधिकृत व्यक्तियों की बात, विशेषज्ञों की बात सुने, अच्छी प्रकार सारी स्थिति समझें, उसके बाद मुँह खोलें। समझ गए, हम मिलजुल के काम करने वाले हैं, विवेकपूर्वक काम करने वाले हैं। हमारी वाणी पर लोभ का, भय का, कोरी भावुकता का, विवेक का कोई प्रभाव नहीं है। तो शासन तंत्र को हमसे डर क्यों लगता है? डर लगता है इसका मतलब उसकी नीयत में कोई ना कोई त्रुटि है। शंकराचार्य के सामने दाल नहीं गलेगी क्या? हम भी उत्कर्ष के ध्यापक हैं, समर्थक हैं, लेकिन ऐसा उत्कर्ष न हो जो भविष्य में, ऐसा विकास न हो कि भविष्य में वो जंजाल बन जाए, विस्फोट आज पूरे विश्व में। हमने वो कलेक्टर महोदय को ये भी कहा कि विकास के नाम पर जो कुछ बवाल चल रहा है पूरे विश्व में, विकास को जिस ढंग से परिभाषित और क्रियान्वित करने का प्रकल्प चल रहा है, उसके गर्भ से पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, ऊर्जा के चारों स्वर विकृत हो गए, क्षुब्ध हो गए। चंद्रमा की सतह भी कई मीटर धस गई है। सृष्टि की संरचना का जो प्रयोजन है, मानव जीवन की सार्थकता जिसमें सन्निहित है, उसको समझकर ही विकास को परिभाषित और क्रियान्वित किया जा सकता है। और सुनिए, तीर्थ का अर्थ क्या होता है? तारने वाली सामग्री, तारने वाले व्यक्ति का नाम तीर्थ, तारक का नाम तीर्थ होता है। एक दिव्य जलाशय हो, एक दिव्य देवस्थान हो मुख्य, और संत हो, तीनों मिलाकर तो तीर्थ होते हैं ना। तीर्थ का अर्थ होता है तारने वाली सामग्री, तारने वाला व्यक्ति। तीर्थ का अर्थ होता है दिव्य जलाशय, तीर्थ का अर्थ होता है दिव्य देवस्थान, तीर्थ का अर्थ होता है दिव्य संत। तो तीर्थ है पूरी। यहाँ कोई भी प्रकल्प विकास के नाम पर चले तो इनका दायित्व होता है शासन तंत्र का हमसे पूछें। फिर हमारी राजधानी है, शंकराचार्य की राजधानी कौन होगी? स्वतंत्र स्टेट अंग्रेजों के शासन का भी मठ को घोषित किया गया था। शंकराचार्य की राजधानी का नाम जगन्नाथ जी जहाँ विराजमान है, पुरी है। यहाँ कोई भी प्रकल्प चले, सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय था ही, समिति कोई भी निर्णय ले तो शंकराचार्य से परामर्श लेकर, लेकिन शंकराचार्य परामर्श कब देंगे? शंकराचार्य के सामने समिति की बैठक होगी, परिस्थिति को शंकराचार्य समझेंगे, लोगों के मनोभाव को समझेंगे, सारे समीकरण शंकराचार्य के पास होंगे, तब तो शंकराचार्य परामर्श देंगे। यहाँ का शासन तंत्र से बचता क्यों है, समिति की बैठक मेरे पास क्यों नहीं होती? गजपत जी हमारे बहुत लाडले प्यारे हैं, वो पहले मुझसे कहा करते थे 2-3 साल पहले, श्री जगन्नाथ मंदिर में, श्री मंदिर में इतनी विसंगति है, अव्यवस्था है, कि जब तक सुप्रीम कोर्ट स्वयं हस्तक्षेप न करे तब तक उस अव्यवस्था का निवारण संभव नहीं है। वो ये भी कहा करते थे एक बार ही सारा निर्णय न दे माननीय उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट एक चरण में कोई फैसला दे, फिर देखे स्वयं कि वो फैसला क्रियान्वित है या नहीं, 2-3 चरणों में हो तब श्री मंदिर का शोधन होगा। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया, और निर्णय क्या दिया, हमसे परामर्श, हमने जो 31 बिंदु लिख के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के कहने पर जो हमने 31 बिंदु लिख के दिया, वही निर्णय हो गया। समझ गए, अब सबके मुँह बंद है, कोई भी पूछने नहीं आता। समझ गए, निर्णय तो मेरा है, वो सुप्रीम कोर्ट क्यों, सुप्रीम कोर्ट ने मुझसे कहा धार्मिक विषय है, इसमें अपना विचार आप रखिए, हमने 31 बिंदु रखा, वही निर्णय हो गया। 2 साल से सुप्रीम कोर्ट भी मौन है, लेकिन उस निर्णय को भी क्रियान्वित क्यों नहीं किया गया? समझ गए, अगर विकास की बात होती, मंदिर के उत्कर्ष की बात होती, तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसको क्रियान्वित करना चाहिए। शासन तक भी मौन है, समिति भी मौन है, फिर हम क्या करें?